बताएगा कि बेनी बाबू की बगावत का कितना असर झेलना पड़ सकता है मुलायम को। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आगे होगी हमारी चुनावी चौपाल सीधे बस्ती से। किस बात से परेशान है बस्ती के लोग, ये आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे यूपी का दंगल में हमारी चुनावी चौपाल पहुंच चुकी है बस्ती में। तो आइए सीधे चलते हैं बस्ती और हमारे सहयोगी शलभमणि त्रिपाठी के पास और जानने की कोशिश करते हैं लोगों की मुश्किलें। आज हम आ पहुंचे हैं बस्ती शहर में और हमारा सवाल है प्रत्याशियों से कि आखिर क्यों चुने आपको। यहाँ पर तमाम गणमान्य नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं बस्ती के, इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह के कैंडिडेट ये चुनने जा रहे हैं। आपसे शुरुआत करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं बस्ती और आसपास के इलाकों के लिए? बिजली और शिक्षा। बिजली की समस्या सबसे बड़ी यहाँ है और शिक्षा का गिरता स्तर आने वाली नस्लों को बर्बाद करके रख देगा। अगर ये चीज़ें नहीं सुधरी तो फिर सामने समाज में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो। दो मुद्दे आपने उठाए कि बिजली और शिक्षा, आप क्या मानते हैं? शिक्षा, जैसे यहाँ के राजनेता ये चाहते हैं कि लोग अशिक्षित रहें। इनका ये कहना है कि नेता जो है वो राजनीति करते हैं वोट की। आप बस्ती के बारे में क्या मानते हैं कि यहाँ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चीज़ है? देखिए, अन्य जनपदों के मुकाबले में बस्ती के विकास की जो दर है वो बहुत धीमी है। अगर आप देखें पास के जिले भी नया नया जिला संत कबीर नगर बना है, काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। चक्कर के उदासीनता, तो किसी ने काम नहीं किया सिंसियरली, संजीदा तौर पे किसी ने बस्ती के विकास के लिए काम नहीं किया, किसी ने सोचा। इनका ये कहना है कि किसी ने आखिरकार काम नहीं किया, लेकिन कौन सीधे तौर पर जिम्मेदार है, काम क्यों नहीं हुआ? आपने वोट दिया तो किसे वोट दिया, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ के नागरिक भी हैं। नागरिक भी न तो प्रशासन पर दबाव डाल पाते हैं ना राजनेता पर दबाव डाल पाते हैं। आपका कहना था कि बिजली बहुत बड़ा इशू है, आप बताएं कि क्यों नहीं, नेता आखिर काम क्यों नहीं कर पाए, क्यों बिजली की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई? देखिए, बिजली की जो समस्या है वह केवल बस्ती की तो समस्या है नहीं, यह प्रदेश की समस्या है और ख़ास तौर से पूरे भारत की समस्या है। और यह प्रोडक्शन से संबंधित है, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक या बस्ती का विधायक बिजली की समस्या का कोई समाधान कर सके ऐसी कोई उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, नेताओं पर से देखिए विश्वास उठ गया है, इन्होंने बिल्कुल एक बात की कि यहाँ का विधायक बिजली की समस्या हल कर सके इसकी उम्मीद नहीं है। आप क्या मानते हैं, कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? प्रॉब्लम तो कोई नहीं सॉल्व कर सकता। हाँ, ये है कि हमारी समस्याएं जब रहती हैं, जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर वो भी आवाज़ बुलंद करे, इससे आगे हम नहीं कोई उम्मीद कर सकते। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो जब हमारी समस्याएं होती हैं, बिजली की समस्या को लेकर, गैस की समस्या को लेकर, यहाँ की पब्लिक लाठी डंडे खाती है, पुलिस के मार खाती है, तो ये जनप्रतिनिधि कभी नज़र नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जनप्रतिनिधि जो हम चुनते हैं वो हमारे दुख दर्द में हमेशा हमारे साथ मौजूद रहें। देखिए, इनका ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लड़ाई के समय में, दिक्कत के समय में सामने नहीं आते हैं। इनका मानना है कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा इनके काम आए। आप क्या मानते हैं कि क्या इस तरह का कोई कैंडिडेट इस बार आप चुनने जा रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि नेशनल टॉपिक पर, नेशनल मुद्दों पर ज़्यादा रहे। उसके साथ साथ हमारी आवश्यकता ये भी है कि लोकल प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करें। लोकल प्रॉब्लम अगर हमारी सॉल्व हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो नेता कामयाब होगा। और जैसे अपने यहाँ की समस्या बस्ती की, मुख्य समस्या बिजली की है, दूसरी समस्या शिक्षा की है, तीसरी समस्या सड़क की है, और चौथी जो अहम समस्या है, यहाँ अराजक तत्व इतने बढ़ गए हैं कि छोटी जगह जो अपने बस्ती की है, यहाँ बहु बेटियों का निकलना ये मुश्किल हो गया है। देखिए, एक नया मुद्दा आया सुरक्षा का कि बस्ती में जो है सुरक्षा का जो माहौल है वो बिगड़ा है, नौजवान हमारे साथ कुछ हैं। आप बताइए कि क्या मानते हैं नौजवानों के लिए क्या इशू हो सकता है बस्ती के चुनाव का? सबसे बड़ा ये है कि नौजवान जागरूक हो, शिक्षित हो। जब तक स्वयं में जागरूक नहीं होगा, एक नेता अकेले सबको कैसे संभाल पाएगा? शिक्षित होंगे तो आगे खुद, जब ये जिम्मेवारी आएगी कि हमें खुद के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, जब जागरूकता बढ़ेगी, आदमी इंगेज होगा, ये हिंसा जो है अपने आप रुकेगी। एक क्लीन चिट दी है नेताओं को कि लोगों को जागरूक होना होगा, नेता अकेले क्या कर सकता है? आप बताइए क्या मानते हैं, नेता जिम्मेदार हैं कि नहीं है? यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, एक लॉन्ग विजन की आवश्यकता होती है, जो हमारे असेंबली और सेंट्रल पॉलिटिक्स में लॉन्ग विजन की शॉर्टेज आई है कि हमारे नेताओं के पास लॉन्ग विजन नहीं है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। बिजली आप लीजिए, बिजली में केवल स्टेट का इशू नहीं है, नेशनल है। जगदम्बिका पाल साहब एक दिन के सीएम हुए, नहीं कर पाए, लेकिन 89 के बाद जो प्रोडक्शन नहीं हुआ, तीन तीन बार सारे राजनीतिक दलों की सरकारें रही, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हमें लगता है कि विजन न होने के कारण
जो रेमडी दी जा रही है वो तात्कालिक दी जा रही है, और कास्टिज्म और कम्युनलिज्म पे जोर है। कम्युनलिज्म बस्ती के लिए एक इशू है, कम्युनलिज्म और एनार्किज्म को बस्ती की जनता ने झेला है। देखिए सबसे बड़ी बात, चरित्र बिगड़ रहा, राजनीति का चरित्र पूरी तरह से बाजार हो गया। जब 1,00,000 1 करोड़ देकर के कोई टिकट लाएगा तो आप उससे यह उम्मीद करो बिजली पानी सड़क के प्रति गंभीर होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। और हमारे मतदाता का भी चरित्र बदला है, वह भी अच्छे लोग नहीं चाहता, अपनी जातियाँ चुन रहा है। और जहाँ तक जितने मुद्दे आए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उद्योग का है। बस्ती से रोज आप देखिए कितना लड़के जो है मुंबई कोलकाता महानगरों में जा रहे हैं रोटी की तलाश में। हमारा प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बीमार है, हमारी जो है खलीलाबाद की चीनी मिल बंद है, हमारी मुंडेरवा की चीनी मिल बंद है। आप हमको काम करने का मौका दो, आप हमको इंडस्ट्री दो, बिजली पानी सड़क हम बना लेंगे, हमारी नगर पालिका बना लेगी, लेकिन हमारे नौजवानों को काम दो। विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता, लेकिन देखिए कुल मिला के एक बात साफ हो गई कि बस्ती के लोग, आसपास के जो इलाके के लोग हैं, उनमें एक तड़प है, छटपटाहट है कि अब जो वोट होंगे, अब जो कैंडिडेट चुनकर आएंगे उनको विकास के नाम पर लाया जाएगा, जाति पात को जो रोकने की है वो इनकी कोशिश होगी। ये है सिंफनी का सुमो एयर कूलर, इसकी ई फ्लो टेक्नोलॉजी आपको दे लाजवाब कूलिंग। अरे फोर है शर्मा जी। आइए सर। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 25 चेक लीव्स, पासबुक फैसिलिटीज, एनीवेयर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम का